फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। तो आज की जो वीडियो है हमारी कंपैरिजिंग वीडियो है, और कंपैरिजिंग वीडियो जो है हमारी पॉन्ड्स के इस सनस्क्रीन की कंपैरिजिंग है और लैक्मे की इस सनस्क्रीन के साथ, ठीक है। तो क्या आज मैं कंपैरिजिंग वीडियो कर रही हूँ, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए अपनी वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले हम इसकी पैकेजिंग से बात करते हैं। तो पैकेजिंग जो है दोनों की ही ट्यूब पैकेजिंग है, ओके। तो सबसे पहले हम पॉन्ड्स की बात करते हैं। तो इसकी पैकेजिंग की क्वालिटी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। लोक की क्वालिटी कैसी है तो आप देख सकते हैं, लोक की क्वालिटी अच्छी है। जो इसका प्राइस है उसके हिसाब से जो क्वालिटी हमें मिल रही है इसकी, वो काफ़ी अच्छी मिल रही है। उसी तरीके से जो है हमारी ये लैक्मे की सनस्क्रीन की पैकेजिंग की है, पर इसकी जो क्वालिटी है इसके मुताबिक जो है थोड़ी सी लो है, ये मुझे लगा। क्योंकि इसकी आप देख सकते हैं कि अच्छे से ये लॉक नहीं हो पा रही है, इसको थोड़ा सा हमें पुशअप करना पड़ता है, या कह सकते हैं बंद करते समय हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि ये जो है लॉक हुआ है या नहीं हुआ है। बट इसका ऐसा नहीं है, इसको इजिली हम निकालेंगे और इजिली हम इसको बंद कर देंगे, और कुछ भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दोनों ही प्रोडक्ट जो है ट्रैवल फ्रेंडली है, ट्रैवल में इनको ले जा सकते हैं। थोड़ा सा फ़र्क है इनकी पैकेजिंग में। आगे हम ये पॉन्ड्स का है, ये लैक्मे का है, ओके। तो पहले हम पॉन्ड्स का बता देते हैं। तो गाइज, ये जो है सन बूस्ट सनस्क्रीम है, ओके। इसके अंदर जो है 35 SPF आपको मिल जाता है, PA++ UVA UVB रेंज से आपको ये प्रोटेक्ट करता है। लाइट वेट क्रीम है ये, और नियासिनामाइड इसमें अवेलेबल है। नियासिनामाइड जो है आपकी स्किन में एजन को आने से रोकता है, ठीक है गाइज। नॉन स्टिकी फॉर्मूला है और नॉन ग्रीसी फॉर्मूला है, ठीक है गाइज। और ये वाइट कास्ट भी नहीं छोड़ता है। पॉन्ड्स ने जो है अपने फ्रंट की जो इसकी पैकेजिंग है उसी के ऊपर इतने सारे जो इन्होंने क्लेम किए हुए हैं। इसी तरीके से हम लैक्मे के देखते हैं, इसके अंदर जो है 97% UVA रेंज से आपको प्रोटेक्ट करता है ये प्रोडक्ट, ठीक है। और इसके अंदर जो है 50+ PA++ है, ठीक है। और ये UVA रेंज से आपको बचाता है। लाइट वेट प्रोडक्ट है, नॉन स्टिकी प्रोडक्ट है ये, ऑल स्किन टाइप है ये, डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड भी है। दोनों में सिर्फ फ़र्क ये है कि ये सिर्फ ओनली सनस्क्रीम है और ये सिरम सनस्क्रीम है गाइज, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट अपनी पॉन्ड्स वाले को मिलता है, ये ओनली सनस्क्रीम है, और इसके अंदर जो है सनस्क्रीम के साथ जो है सिरम भी डले हुए हैं, यानी कि सिरम के गुण भी हैं, ठीक है। अब प्राइजेज की बात हम कर लेते हैं। तो प्राइज हमें पॉन्ड्स वाली है 199 रुपीज़ की मिलती है, और ये जो है लैक्मे वाली 325 की मिलती है। तो अपने प्राइस में भी अपनी ये सस्ती पड़ती है और ये आपको महंगी मिलती है, ठीक है। अब इनका वेट का बात करते हैं। तो इनकी वेट जो है, तो गाइज हमें 200 रुपये में जो है 50 ग्राम पड़ता है, और ये 325 रुपये में भी 50 ml पड़ता है ये प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट जो हमें इसी का ही पॉन्ड्स वाली का ही हमें ज़्यादा मिल रहा है गाइज, ठीक है। तो अभी तक तो जो है अपनी पॉन्ड्स वाली ही जीत रही है। अब मैं इनके फॉर्मूले आपको दिखा देती हूँ। तो इसको हम इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर इसका पॉन्ड्स वाले का ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पॉन्ड्स वाले का मैंने ले लिया है, और यहाँ पर जो है मैं लैक्मे वाले की ले लेती हूँ। ये यहाँ पे मैं लैक्मे वाले की ले लेती हूँ, ठीक है गाइज। तो आप देख सकते हैं दोनों का फॉर्मूला क्रीमी है, और दोनों का ही कलर जो है सेम दिख रहा है आपको, थोड़ा सा मटमेला सा कलर है, बट दोनों का ही कलर जो है सेम है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इजी वे में, ठीक है। इसको ब्लेंड हम करते हैं तो इजीली जो है ये ब्लेंड हो जाती है स्किन पर। ये देखिए फॉर्मूला जो है बिल्कुल लाइट वेट है, नॉन स्क्रीमी क्रीमी फॉर्मूला है, बिल्कुल भी स्टिकनेस नहीं हो रही आपकी स्किन में। तो गाइज मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया है, और बिल्कुल भी इसमें जो है मुझे लग नहीं रहा है कि कोई भी वाइट कास्ट इसने छोड़ा है। इसी तरीके से हम अपनी लैक्मे वाली को ब्लेंड कर लेते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं इसके अंदर थोड़ा सा वाइट कास्ट है हमारी लैक्मे वाली में, और इसमें कोई भी वाइट कास्ट नहीं है। तो गाइज यहाँ पर बात करते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की, ये प्रोडक्ट मुझे कैसा लगा है, ठीक है गाइज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी बात करूँगी पॉन्ड्स की। तो गाइज इसका प्रोडक्ट जो है बिल्कुल ही नॉन स्टिकी, बिल्कुल ही नॉन ग्रेसी, और बिल्कुल भी इसके अंदर जो है वाइट कास्ट नहीं छोड़ती है इसकी क्रीम, ओके। अगर आप मॉइस्चराइजर नहीं लगा रहे हो
तो भी इस प्रोडक्ट को आप इजीली ही यूज कर सकते हैं। ओके गाइज, ठीक है। अगर सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में आप इसके नीचे मॉइस्चराइज लगाना पड़ेगा और फिर देन इसके बाद इसको यूज कर सकते हैं आप सनस्क्रीन के रूप में। ओके गाइज, तो गाइज बात करते हैं अपने लैक्मे वाले की। इसका जो फॉर्मूला है पॉन्स वाली क्रीम से थोड़ा सा थिक सा फॉर्मूला है, गाढ़ा सा कह सकते हैं, क्रीमी फॉर्मूला है। थिक फॉर्मूला है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टिकी है, चिपचिपी सी है, कुछ ऐसे ऐसे नहीं है। इसके मुताबिक जो है इसका जो फॉर्मूला है थोड़ा सा मुझे मतलब क्रीमी टाइप में लगता है, लेकिन ये बिल्कुल भी जो है स्टिकी चिपचिपी इस टाइप से कुछ भी नहीं महसूस कराती है। तो गाइज इसके लिए तो मैं ये कहूँगी, अगर किसकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है लाइक मेरी तरह, तो अगर आप गर्मियों में यूज़ कर रहे हैं तो आपको जो है मॉइस्चराइज लगाने की जरूरत नहीं है, और सर्दियों में जो है मॉइस्चराइज आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है गाइज, अब बात करते हैं जो इसके अंदर जो SPF है, SPF में इसमें थोड़ी सी कमी है, तो आपको इसको दो बार यूज करना पड़ेगा 3 से 4 घंटे में। अगर आप इसको 4-5 घंटे लगाकर भी बाहर जाना चाहते हैं तो इजी वे में आप जा सकते हैं 4-5 घंटे। जैसे कि हम मार्केट जा रहे हैं तो इजीली एक बार लगा कर अपने घर से निकल सकते हैं, बार बार रीअप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपनी लैक्मे वाली को। और बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की, पैकेजिंग जो है दोनों ही लीक होने के बिल्कुल भी खतरा नहीं है। इनमें से जिसकी अच्छी पैकेजिंग है वो पॉन्स की है गाइस, तो इस पर हम डबल श्योर कर सकते हैं। बट इसको हमें एक बार चेक करना पड़ेगा अपने बैग में रखने से पहले या यूज करने के बाद, जरूर चेक करना पड़ेगा कि ये अच्छे से बंद हुई है या नहीं। तो उस टाइम में जब हम मेकअप कर रहे होते हैं तो आपको पता है कि कितनी जल्दबाजी होती है, तो हमें ये चीज़ें देखने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता है, तो यहाँ पर इसने थोड़ी सी माइनस पॉइंट है। ओके गाइज, नेक्स्ट इसके प्राइस की बात करते हैं। प्राइस दोनों का फॉर्मूला सेम है, नॉन स्टिकी, नॉन ग्रीसी, नॉन ऑयली, सब कुछ है, बट फिर भी इसका जो है 200 रुपीज़ है और इसका जो है 325 रुपये है। ठीक है गाइज, दोनों ही प्रोडक्ट में जो है प्राइस में बहुत ज़्यादा फर्क है, तो अगर कोई अफोर्डेबल रेट में अच्छा प्रोडक्ट खरीदना चाहता है कंपनी का, तो आप डेफिनेटली पॉन्स की साइड जा सकते हैं, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है आपको जो है एक तो कम मिलेगा और ऊपर से महंगा मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको तो सजेस्ट करूंगी पॉन्स वाली, जिसको अफोर्डेबल रेट में अच्छी प्रोडक्ट खरीदना है गाइज। ठीक है गाइज, और हाँ गाइज, इसके अंदर जो है एक कमी और है, अपनी जो पॉन्स वाली है बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं छोड़ती है। तो अगर किसी को वाइट कास्ट वाले अगर कोई मतलब सनस्क्रीन पसंद नहीं है तो आप डेफिनेटली पॉन्स की साइड जाएं। ठीक है, ये जो है अपनी लैक्मे की जो है वाइट कास्ट छोड़ती है, मैं मना नहीं करूँगी गाइस, जो है ये वाइट कास्ट छोड़ती है। आपने डेमो में भी देखा होगा कि इसने जो है वाइट कास्ट छोड़ा है, कुछ देर बाद भले ही चला जाए लेकिन जब हम लगाते हैं उस टाइम पर जो है अपना वाइट कास्ट, ये जो है क्रीम वाइट कास्ट छोड़ती है। इस तरीके की सनस्क्रीन के कारण हमारा मेकअप जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो हमें बहुत ज़्यादा थोड़ा सा भारी नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो मेकअप के मामले में तो मैं कहूँगी कि अगर आप इसको यूज ना करें तो बेस्ट है। ठीक है गाइज, आपको समझ में आया होगा कि लगभग में अपनी पॉन्स वाले ही जीत में है और अपनी लैक्मे वाली जो है थोड़ी सी कम पड़ रही है। तो आई थिंक अगर कोई अफोर्डेबल रेंज में कोई अच्छा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो आप पॉन्स की साइड जा सकते हैं गाइज। ठीक है गाइज, तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आएगी, ये कंपेरिजन वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है गाइज, तो मैंने जो है बिल्कुल इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है कि कौन सी किस टाइप से क्रीम है। ओके गाइज, तो गाइज आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को शेयर करें, बिना बिल्कुल भी ना रुके वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है गाइज, और जो भी लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल ना जाए। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, बाय बाय। और गिव अवे में पार्ट लेना बिल्कुल ना भूलें, बाय बाय।